यह दूसरा क्वालिफायर मुंबई हीरोज बनाम बंगाल टाइगर्स, पूरब बनाम पश्चिम। रितेश उसको शादा पहला ओवर, यहां पर मौका हो सकता था और मौका पूरी तरह से स्वीकारते हुए यहां पहला विकेट गिरता हुआ बंगाल टाइगर्स के लिए। रितेश देशमुख की एक शानदार शुरुआत। Well, perfect. I at this point I would say all the very best here. Here's a handshake. कुछ नहीं हुआ. I've taken a wicket. I've taken a wicket again. Oh my God! Back to the comms. I've done it again. Batting करते हैं पहली innings में. Down the ground खेला, करारा shot है और उतना ही अच्छा catch भी लिया गया है. Superb catch. सिद्धांत मूले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. It's never easy when the ball's dying on you. And so you're asking yourself whether you want to go for the catch or you stop the boundary. He went for the catch, timed that dive to perfection, plucks it right in the nick of time. And so he goes above. Oh, was that an edge? Up goes the finger. And success finally. आते यहां पर उठाकर खेला है कैच का कॉल करते हुए विकेट कीपर, लेकिन लैंडिंग थोड़ी पहले फील्डर से। दो रन कंफ्यूजन, रन आउट का चांस। साकिब सलीम को जाना होगा, नहीं माफ कीजिएगा, शरद केलकर को जाना होगा। एंड कैन यू बिलीव इट, टू विकेट्स इन टू डिलीवरीज व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट वन। यहां पे बॉल खड़ी हो गई है और कैच का मौका बनेगा जिसे अंजाम दिया है राहुल ने। वो शोर जो आप सुन रहे हैं ना, जिसकी मांग कर रहे थे राहुल, वो आया इस खेमे से नहीं है। आउट हो जाएंगे, मुझे लगता है कि मिस हिट है, पर मुश्किल कैच है, कीपर के लिए सेफ होगा और पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। बड़े दस्ताने हैं, सबसे बड़ा चांस उसी का था और उन्हीं ने कॉल किया, तो आखिरकार एक डॉट बॉल जिसकी मैं बात कर रहा था आ गई बंगाल के लिए और ये कनेक्ट नहीं हुई है। ये सीधी कैच जाएगी और पकड़ा है आराम से, देखिए कितना बढ़िया होम डिलीवरी जमेगी। तो ये चांस था, निशांत लग रहे थे कि थोड़े रन आगे लेके जाएंगे, पर नहीं, मिस इट और एक और झटका, एक और डॉट बॉल। डाउन द ट्रैक निकल कर आए, बड़ा शॉट लगाने के लिए ऊंचाई मिली लेकिन दूरी नहीं और आसान सा कैच जैमी के लिए, ज्यादा हिलना भी नहीं पड़ा। जैसे आप कह रहे थे सीधा होम डिलीवरी उनके लिए, यही कहानी होगी राहुल के लिए। विकेट का मौका है एक बार फिर, इस बार कॉटन बॉल किया है राहुल ने, अपूर्व लाखिया को जाना पड़ेगा वापस। तो दो जरिए मुझे नजर आते हैं, एक तो ये विकेट मिल जाए, एक पहला मौका जो है था होता ही चाहिए था, एक और विकेट, फिर से ज्यादा जोर से क्रॉस द लाइन मारने गए और राजा भेरवानी ने काउंटर पंच, तीसरा पंच, चौथा, तो विकेट लेके थोड़ा सा अब ढांढस बनाया अपनी टीम का। आपकी बात सुनते हुए यहां कोशिश, लेकिन सीधे हाथ में यहां पर अभिलाष चौधरी के, राजा भेरवानी को मिली है एक और सफलता। गेम को पलटते हुए राजा भेरवानी, बंगाल टाइगर्स का दूसरा विकेट यहां पर गिरा है और अब यहां तो बिल्कुल घुसपैठियों की तरह बंगाल टाइगर्स की कैंप में जा चुके हैं मुंबई हीरोज के सपोर्टर्स। मजा आ रहा है और ये मिस हिट हुई है, मुझे लग रहा है पकड़ना चाहिए, ओ ड्रॉप कर दिया। अच्छा रन आउट की मौका है, ओ हो हो हो, और रन आउट, सेंसिबल रहे के भाग के करा। और साकिब सलीम का जो है ना मैच अवेयरनेस, वो बहुत जबरदस्त है। जैमी और राहुल के बीच में ये कंफ्यूजन पैदा हुई और राहुल को खामियाजा भुगतना पड़ा इस बार। कैच छूटा लेकिन फिर भी विकेट का हुआ है पतन। That's got plenty to offer. जैमी बैनर्जी होपिंग टू एक्सेलरेट, a rare opportunity where he lets a full toss go straight into the hands of a fielder. Long off cleans up. Well done. And it is the Mumbai Heroes that are crawling their way back in this. A big wicket. Another full toss. There is a fielder. Go straight to him. Hey, look at the umpire. The umpire may not be interested because he took a couple of steps down. Another wicket goes down. शरद केलकर का ये ओवर थोड़ा महंगा रहा है लेकिन यहां पे विकेट हो सकती है। कॉल किया है कैच के लिए, अंजाम दिया है कैच को, कोई गलती नहीं करी साकिब ने और बंगाल टाइगर्स की एक और विकेट गिरती हुई। ओ ब्रिलियंट बॉलिंग और यहां पे विकेट भी आएगी। बॉनी कितना आगे निकल आए थे और साकिब सलीम कोई गलती नहीं करी है, वहां पे रन आउट किया है बॉनी को।
लगभग यॉर्कर लेंथ गेंद बन गई उनके लिए, क्योंकि इतना आगे आ गए थे बॉनी। साकिब ने कहा थैंक यू वेरी मच, एक और रन आउट और एक और विकेट, 5 रन बनाकर बॉनी आउट। स्लोअर बॉल है और यहां पे डाउन द ग्राउंड खेला है और अच्छा कैच, लाजवाब कैच है ये, कितनी दूरी कवर करी है। निशांत मुझे लगता है वहां पे बाउंड्री रोप पे थे, कितना डिस्टेंस कवर किया निशांत दहिया ने। इस कैच पे नजर डाली, एक तो स्लोअर बॉल जिसकी वजह से टाइमिंग शॉट पे बनी रही, टू ऑफ द बैट पे लगी है बॉल, पर ये कैच देखिए कम से कम मुझे लगता है 10-12 यार्ड रन करके ये कैच को अंजाम दिया है। तो उदय ने तो कमाल कर दिया जी, उदय ने सिर्फ दिए हैं अब तक 7 रन, और अगर कोई 11 गेंदों में 7 रन दे तो कितना बड़ा। फिर से थर्ड बार स्ट्राइकर्स एंड पे और यहां पे क्या बैट क्रीज के बाहर है, ये मामला टच एंड गो का हो जाएगा। देखिए अगर बल्ला लाइन पर है तो लाइन अंपायर के नाम है, बेल जो है ना जब ग्रूव से डिसलॉज हुई है तो वो बल्ला कहां है, अगर लाइन पे है तो मुश्किल है यहां पे निशांत के लिए, अगर लाइन के पीछे क्रॉस किया है तभी बचेंगे। देखा जाए तो इस एंगल से तो बेल ऊपर गई है और ये बल्ला अंदर है इस समय तो, और एक फ्रेम जरा पीछे जाए उस फ्रेम में बेल जो है ना, क्या क्लैरिटी, आह अब पता लग जाएगा ये। ओ हो टच एंड गो, आउट है जी, क्योंकि लाइन जो होती है वो एम्पायर की होती है और लाइन के अंदर अपनी क्रीज में कोई भी हिस्सा नहीं है बल्लेबाज का, आउट। ओ हो क्या बात है, फिर से ट्विस्ट, किसी ने सोचा नहीं था। सटीक यॉर्कर, एक ही रन मिल पाएगा, बड़ा ओवर चाहिए यहां मुंबई हीरोज को, दूसरा रन तेजी से और रन आउट। राजा भिरवानी ने यहां सरेंडर कर दिया लगभग, क्या हुआ यहां, rather strange from the batters of the Mumbai Heroes, there wasn't a two there, it went straight to long gone, he's hit that, how much distance, long off takes it, inches in front of the boundary, a little dance to celebrate, Anando with a celebration, oh boy, big moment in the game, Siddhant Mulle departs for 17 or 14, it's a game of inches, millimeters if you will, last delivery 11 of the over so far, sweeps again, misses, what a comeback, and the celebration once again from Anando, here we go, penultimate over, he's got height, cover, pedaling backwards, take a touch, catch, oh boy, what a moment in the game, शरद केलकर departs, शॉट उठाकर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है और कैच ले लिया जाएगा, क्या इसके साथ साथ मुंबई हीरोज की कहानी का अंत होने वाला है, बंगाल टाइगर्स ने शिकंजा कसा है इस मैच पर, पहले शरद केलकर और अब शबीर आलूवालिया दोनों का शिकार इस ओवर में होता हुआ। ह्यूज विकेट दिस एंड व्हाट फील्डिंग अंडर प्रेशर, it was bony before, it was in the hitting zone, Shabir gave it a good hit, look at that, that is outstanding, we're talking about actors taking this catch, that is high quality no matter what level of cricket, unbelievable scenes here in Thiruvananthapuram, well he strikes it decently, he won't get a boundary though, they'll want to come back for two, gone, another wicket, it's Apurva's turn now, Saqib Saleem was the one running back to the strikers and oh the coach is dancing, the moves are out, we haven't seen that in a long time, 75 for 79, let's take another look at this, सीधे ये सटीक थ्रो आता हुआ और बहुत ही अच्छा कलेक्शन इस मौके पर राहुल के द्वारा,
और लॉन्ग वाइल नहीं नवनीत, हमने कभी भी नहीं देखा है कोच बप्पा को इस तरीके से डांस करते हुए इस सीजन।